to entrance test. In this video, we will learn how to solve this question. Which of the following cellular structures always disappears during mitosis and meiosis? The question में हमें अलग अलग cell structures दिए हैं, जिनमें से हमें वो structure choose करना है जो mitosis and meiosis में disappear हो जाते हैं, यानी गायब हो जाते हैं। तो key concept हमारे यहाँ रहेगा mitosis and meiosis। तो ये दोनों ही cell division के अलग अलग मेथड्स हैं जिनकी मदद से जो सेल है वो डिवाइड होती है एंड हमें डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि माइटोसिस में जो सेल्स डेवलप होती हैं दे आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट सेल, वेयर एज यदि हम मियोसिस की बात करें तो इसे रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है। वाई? बिकॉज इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ रह जाता है ऑफ दैट ऑफ द पेरेंट, तो इसी डिवीजन के थ्रू हमें गैमेट्स मिलते हैं। अब यदि हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो जो स्ट्रक्चर्स डिसअपियर होते हैं एट द टाइम ऑफ डिवीजन दे आर मेनली द न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड ये डिसअपियर क्यों होते हैं? व्हाई? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर ही हम पाते हैं द क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम का बाहर आके रेप्लिकेट होना फ्रॉम द न्यूक्लियस इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ रहेगा इट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो दिस इज द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म एंट्रेंस टेस्ट डॉट ऑनलाइन फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज।